भागलपुर शहर डेंगू की चपेट में है, लेकिन जनता की पीड़ा सुनने वाले नाच गाने में मस्त है। मेयर सीमा साहा और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद टूर पर गए पार्षदों के ठुमके लगाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में वार्ड पार्षद नाच गाने में मस्त है, तो वहीं 25 सितम्बर को अविश्वास प्रस्ताव पर निगम सभागार में बैठक होनी है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जनता की पीड़ा सुनने वाले ये जनप्रतिनिधि नाच गाने में मस्त हैं। और पटना से हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसके राजीव जुड़ गए हैं। एसके जी, जिस तरह से भागलपुर डेंगू की चपेट में है, लेकिन जनता की पीड़ा सुनने वाले नाच गाने में मस्त दिख रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर हाशमा, भागलपुर जो है वो बिहार का एक बड़ा जिला है और न सिर्फ डेंगू की चपेट में है, बल्कि आप कह सकते हैं कि बाढ़ से भी वहां की स्थिति जो है वो काफी खराब हो चुकी है, काफी बदतर हो चुकी है। लेकिन जो एक विजुअल सामने आया है उसके मुताबिक वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकल वार्ड कमिश्नर हैं, जो मेयर हैं, जो डिप्टी मेयर हैं, वो नेपाल में, जो कि बिहार का पड़ोसी राज्य नेपाल है, वो लोग नेपाल में ठुमके लगा रहे हैं, बार बार के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जिन पर आम जनता विश्वास करती है, उन्हें नॉमिनेट करती है, उन्हें उनका चुनाव करती है, और वो जनता की समस्याओं से बेखबर होकर इस तरीके से विदेश में जाकर, क्योंकि नेपाल जो है वो फॉरेन कंट्री है, वहां जाकर के वो ठुमके लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से एक बड़ा सवाल जो है वो उठना लाजमी है। हालांकि अभी तक जो मेयर और जो डिप्टी मेयर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन विजुअल मुझे साफ देखा गया है कि जो मेयर के जो भाई है वो स्वयं वहां पर मौजूद है, और जो जानकारी मिल रही है कि जितने भी जो अविश्वास प्रस्ताव 25 सितंबर को आना है उसके ठीक पहले जितने भी वार्ड कमिश्नर है तमाम लोगों को नेपाल जो है वो मेयर की तरफ से ले जाया गया है। आसमा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जुड़ने के लिए। तो शहर में डेंगू का कहर लगातार जारी है, लेकिन जनता की पीड़ा सुनने वाले जनप्रतिनिधि मस्त।